Ladies and gentlemen, welcome and welcome back to my channel Bish & Glam. So may I have your attention please? ये है मेरी दिवाली पार्टी, दिवाली सेलिब्रेशन का सेकंड लुक। पहला लुक अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। वो भी बहुत सॉफ्ट एंड बहुत ही खूबसूरत था। और ये भी मैंने आई शेडो पैलेट वही यूज़ किया है मार्स का, और मुझे तो बहुत पसंद आया। एक्चुअली जो ये लुक है ये प्रॉपरली ट्रेडिशनल अच्छे तरीके से जाएगा, चाहे आप सूट पहन रहे हो, चाहे साड़ी पहन रहे हो, चाहे कुछ भी पहन रहे हो। यू नो थोड़ा सा यू नो फेस्टिव सा लुक ये दे रहा है। सो आई होप आपको पसंद आया हो। पसंद आया तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सो सबसे पहले आज मैं फेस मेकअप कर ले रही हूँ, क्योंकि जो ये आई शेडो है ये बहुत अच्छा है, फॉल आउट नहीं करता है। तो मैं पहले जो है वो फेस मेकअप कर ले रही हूँ, क्योंकि ऐसा बहुत ज़्यादा बोल्ड आई मेकअप तो करना नहीं है मुझे, तो इसीलिए मैं फेस मेकअप कर ले रही हूँ। यू नो अगर फेस मेकअप हो जाता है ना तो बड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है, ऐसा लगता है आधा काम पूरा हो गया। बाकी आधा काम जो होता है वो आई शेडो का होता है। सो फेस को मैंने मॉइस्चराइज कर लिया है, प्राइम कर लिया है, और इल्यूमिनेटर क्रीम यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर मैं। सारे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ पर फाउंडेशन जो है वो ले रही हूँ मिलानी का। ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट फाउंडेशन है, क्योंकि ये फुल कवरेज देता है, और इसको मैं तब यूज़ करती हूँ जब मेरे फेस में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं। वैसे तो 365 दिन में 300 दिन मेरे फेस में प्रॉब्लम होती होती है, बिकॉज मेरे हार्मोन्स जो है वो बहुत इनबैलेंस रहते हैं। नेक्स्ट मैं इसी को कंसीलर की तरह यूज़ करूँगी, बिकॉज ये 2-in-1 फाउंडेशन है, कंसीलर प्लस फाउंडेशन दोनों का ही काम करता है, जैसे कि आप देख सकते हो। कॉम्पैक्ट से अच्छी तरीके से सेट कर लूँगी, ब्राउज को फिल कर लूँगी अच्छे तरीके से। ब्राउज से ही आपका लुक आता है, हमेशा याद रखना। नेक्स्ट मैं ले रही हूँ यहाँ पर से ऑरेंजिस, डार्क ऑरेंजिस टोन के शेडो है। आई शेडो के ना इसमें हर किसी के नाम है, वो मैं आपको डिटेल में बाद में बताऊंगी, अभी मुझे याद भी नहीं है। सो मैं अच्छे तरीके से सिर्फ और सिर्फ आउटर व्यू पे फोकस करते हुए करूंगी। बहुत ज़्यादा इधर उधर नहीं फैला रही हूँ मैं आज, हल्का बिल्कुल जो आईलिड होती है उसी में ही आई शेडो रख रही हूँ। सो अच्छे तरीके से जब तक मेरे को एक डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता तब तक मैंने ब्लेंड किया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर लिया है डार्क, यू नो अलग ही कलर था, मतलब डार्क यू नो मैं कैसे बताऊँ, मजंटा डार्क पत्नी अलग ही कलर था, जो भी था बहुत खूबसूरत था। तो मैंने एक कलर लिया एंड देन उसके ऊपर प्लेस किया जो हमने पहले कलर प्लेस किया था। सो आउटर वी पे ही फोकस करना है इसे कलर लेकर के भी, और तब तक करते रहना है जब तक आपको एक डिज़ायर कलर नहीं मिल जाता। बट इसका जो आई शेडो का पिगमेंटेशन है वो बहुत अच्छा है, तो बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता। नेक्स्ट आई एम टेकिंग दिस गोल्डन ब्राउन शेड, शिमरी है ये, तो मैं इसे क्या करूँगी, इनर वी से लेके मैं इसे लेकर के जाऊँगी, और एक अपनी जहाँ तक मैंने मेरा बाकी का कलर आ रहा है वहाँ तक लेते हुए इसे जाऊँगी। और आप बिलीव नहीं करोगे यार, मतलब मुझे प्यार हो गया है इस आई शेडो पैलेट से। सो लुक एट द क्लोजअप, आपको कितना मतलब कितना स्मूथ एकदम दे रहा है ये आपको। सो मुझे बहुत पसंद आया। नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ब्लैक आई शेडो लिया है, जैसे हम लाइनर लगाते हैं वैसे स्मज आउट कर लेना है जस्ट लाइनर की तरह। यहाँ पर मैं लाइनर अप्लाई नहीं कर रही हूँ, जस्ट मैं यही लुक दे रही हूँ सिर्फ आई शेडो से ही। सो आई शेडो को, ब्लैक आई शेडो को लाइनर की तरह यूज़ करना है आपको। एंड देन उसके बाद काजल लगा लेना है, मस्कारा लगा लेना है। पता नहीं मुझे क्या होता है, मैं बीच बीच में ना स्टेप भूल जाती हूँ। सो मैंने ब्लश अप्लाई किया, हाइलाइटर अप्लाई किया, उसके बाद मैंने काजल लगाया एंड मस्कारा लगाया, और आई एम गुड टू गो। सो मुझे तो ये लुक्स बहुत पसंद आ रहे हैं, क्योंकि ये जो आई शेडो है इससे आपने कोई भी लुक अचीव कर सकते हो। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो मैंने इनसाइड के कॉस्मेटिक के सेटिंग्स पे से मेकअप को सेट कर लिया है। NYB की न्यूड लिपस्टिक ले रही हूँ यहाँ पर मैं, बिंदी लगा ली है गोल्डन बिंदी। इस तरीके की बिंदी ना आप हमेशा अपने पास रखे रहो, फेस्टिव सीजन में, वेडिंग सीजन में बहुत अच्छी लगती हैं। और बिना बिंदी के यार इंडियन लुक कम्प्लीट ही नहीं होता। जो नहीं लगाते हो ना वो लगाना स्टार्ट कर दो, सच बता रही हूँ। इस तरीके की स्टोन वाली बिंदी लगाओ, इससे मॉडर्न लुक भी आता है और आपका लुक जो होता है वो कंप्लीट भी हो जाता है। सो आई होप आपको मेरा ये मेकअप लुक पसंद आया हो।